ये मूवी इंस्पायर्ड है एक नॉवेल क्लास ऑफ 83 द पनिशर्स ऑफ मुंबई पुलिस से, जिसको सैयद हुसैन जैदी ने लिखा है। गुप्त, सोल्जर एंड अजनबी जैसी जबरदस्त मूवीज देकर हम सबके 90s को कूल बनाने वाले बॉबी देओल कहीं खो गए थे, और उनकी बड़े स्क्रीन पे वापसी रेस 3 और हाउसफुल के साथ फॉरगेटेबल थी, जिसको शायद वो खुद भी नहीं याद रखना चाहेंगे। क्लास ऑफ 83 से बॉबी देओल एक इंटेंस रोल में नजर आ रहे हैं, जिसको वो सबसे अच्छी तरह से प्ले करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा उसी कूल एंड इंटेंस 90s वाले बॉबी देओल स्टारर Netflix की न्यू रिलीज क्लास ऑफ 83 को। डोंट एंग्री मी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man। ये कहानी पुलिस एकेडमी के 83 की बैच की है, जिसके डीन विजय सिंह हैं, जिसका रोल बॉबी देओल प्ले कर रहे हैं। विजय सिंह ऐसे ऑफिसर हैं जो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, और क्रिमिनल्स को पकड़ना और बॉम्बे को क्राइम फ्री रखना उनका इकलौता मकसद है। लेकिन करप्ट सिस्टम की वजह से उनको फील्ड वर्क छोड़कर एक पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है नासिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। एकेडमी में उनकी नजर 5 कैडेट्स पे पड़ती है, जो ऑन पेपर या एग्जाम में तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अच्छे पुलिस ऑफिसर बनने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छाई के लिए लॉ को तोड़कर चीजों को ऑर्डर में रखना बखूबी जानते हैं। विजय सिंह इन पांचों को अपने ही अंदाज में ट्रेनिंग देता है, और अपने एक अधूरे मिशन के बारे में इन्फो देकर इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने के लिए एक तरह से इनडायरेक्टली मोटिवेट करता है। अब ये पांचों पुलिस ऑफिसर विजय सिंह के अधूरे मिशन को पूरे कर पाएंगे कि नहीं, क्या ये लोग करप्ट सिस्टम में जिसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व्ड है उसको साफ कर पाएंगे कि नहीं, या फिर ये लोग भी करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनकर आपस में ही भिड़ जाएंगे, ये सब जानने के लिए आपको शाहरुख खान की प्रोडक्शन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल क्लास ऑफ 83 देखना होगा। लेकिन ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं, आप मेरे 2 पॉजिटिव्स और 2 नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मूवी का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट और इनफैक्ट इसका सबसे बेस्ट पार्ट था सिनेमेटोग्राफी एंड प्रोडक्शन डिजाइन। मूवी में 80s का लुक को बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया गया है, जहां छोटी से छोटी डिटेल्स पे फोकस किया गया है। विंटेज कार से लेकर बस स्टॉप पे लगे 1983 में रिलीज हुए मूवीज, जाने भी दो यारो और अमिताभ बच्चन की नास्तिक के पोस्टर्स आपको एक ऑथेंटिक फीलिंग देता है। एक्टर्स के गेटअप से लेकर बॉम्बे के बिल्डिंग्स भी आपको 80s के एरा में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मूवी का हल्का सा ब्राउनिश एंड गोल्डन कलर का थीम इसको एक फील देता है, जो आपको कम्प्लीटली उस एरा में जाने पे मजबूर कर देता है। मूवी का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट लगा एक्टर्स के परफॉर्मेंस। मूवी में बॉबी देओल का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव था, और इस मूवी से ये प्रूव होता है कि अगर उनके टैलेंट को सही से यूज किया गया तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पर वो रेस 3 और हाउसफुल 4 मूवीज करके थोड़ा भटक गए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखिए, बॉबी देओल का कैरेक्टर आपका नॉर्मल बॉलीवुड मसाला टाइप पुलिस ऑफिसर नहीं है, जैसा चुलबुल पांडे या विक्रम राठौर था, बल्कि यहाँ विजय सिंह के कैरेक्टर को रियलिस्टिक फील दिया गया है, जहाँ आपको लगेगा आप सच में एक पुलिस ऑफिसर को देख रहे हो, और बॉबी देओल इस रोल में काफी जच रहे थे। दूसरी तरफ जो 5 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनमें से 3 पे ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन उसमें भी 2 कैरेक्टर स्टैंड आउट किए हैं, जो है वार्दे और शुक्ला, जिसका रोल हितेश भोजराज और भूपेंद्र जदावत प्ले कर रहे हैं। ये दोनों का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग था, जहां ये लोग कभी एक साथ और कभी एक दूसरे के खिलाफ होकर काम करते हैं, और इससे इनका कैरेक्टर और भी निखर कर बाहर आता है। हितेश और भूपेंद्र और भी अच्छी परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखते हैं, अगर बॉलीवुड इन्हें आगे भी सही से यूटिलाइज करे तो। और जो इस मूवी में सही से यूटिलाइज नहीं किया गया है, वो है स्क्रीन प्ले, जो ले आता है मुझे इस मूवी की पहली नेगेटिव पॉइंट पे। मूवी का स्क्रीन प्ले स्लो भी है और इनकम्प्लीट सा भी लगता है। मूवी का 1.5 घंटे का छोटा लेंथ इसका मेन विलन है, क्योंकि किसी भी स्टोरी को सही से बिल्डअप नहीं किया गया और ना ही सही से खत्म किया गया। जहां आपको अनूप सोनी द पॉलिटिशियन के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा पता चलने ही लगता है कि मूवी का ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाता है। इनफैक्ट मूवी में 5 पुलिस ऑफिसर्स में से भी सिर्फ 2 पे ज्यादा फोकस किया गया है, और बाकी 3 को साइडलाइन कर दिया गया है। स्क्रीन प्ले कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी बुरी तरह फेल हो जाती है, और जो टाइम बॉबी देओल की बैक स्टोरी दिखाकर वेस्ट किया गया था, वो टाइम कैरेक्टर डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता था। इस वजह से मूवी का मेन एस्पेक्ट भी कमजोर पड़ जाता है, जो है मूवी के विलन्स, और वो ले आता है मुझे इस मूवी के दूसरी नेगेटिव पॉइंट पे। मूवी 80s के क्राइम पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन एक क्राइम को छोड़कर और कोई भी क्राइम नहीं दिखाया जाता है पूरे मूवी में, और पूरे मूवी में बस एक ही नाम है जिसके पीछे विजय सिंह और उसके 5 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीछे पड़े हुए हैं। आप एज एन ऑडियंस कन्विंस नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको कोई बड़ा क्राइम देखने को मिलता ही नहीं है। एक तरफ जहां हीरो के इरादा को इतना पक्का दिखाया जाता है कि उसने 5 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना रखे हैं, दूसरी तरफ वही विलन इतना कमजोर दिखाया गया है कि मूवी का मजा टोटली खराब हो जाता है। हीरो और विलन जब तक टक्कर के नहीं होते, जब तक दोनों बराबरी के नहीं होते, तब तक उस लड़ाई में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मूवी में एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग विलन इस मूवी को और अच्छी बना सकती थी। तो गाइज, मेरा कंक्लूजन इस मूवी को लेकर यह है कि इसमें हर एक कैरेक्टर की कहानी के साथ साथ ओवरऑल इस मूवी का भी कहानी इनकम्प्लीट सा लगता है, इसलिए जब मूवी खत्म होता है तो आपको ये मूवी इनकम्प्लीट सा लगता है, और ऐसा लगता है कि मूवी में और भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता था। मूवी के कहानी में
बहुत पोटेंशियल था। 80s का थीम था, क्राइम्स थे, माफियाज था, पुलिस एनकाउंटर्स थे, सब कुछ था, लेकिन उसको सही से यूज नहीं किया गया, इसलिए ये एक एवरेज क्राइम थ्रिलर मूवी बनकर रह जाती है, जिसको आप सिर्फ बॉबी देओल के परफॉर्मेंस की वजह से पसंद करेंगे और मूवी को शायद रात भर में ही भूल जाएंगे। बाकी आपसे अच्छा तो जज कोई है भी नहीं, इसलिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो गाइस, और भी ऐसे रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।